our government formed, our unity government formed in April this year, the coalition government has been engaged in efforts to bring the country out of various challenges. The most serious among these crises that has expended most of our time and energy is the stabilization of our economy. We inherited an economic catastrophe where Pakistan was on the precipice of a default, and shukr alhamdulillah, by the grace of God and the efforts of the unity government and the prime minister's financial team, Pakistan was saved from the brink of an economic crisis we have yet to witness in our history. मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए कोशा हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का दिफाई नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान दुनिया में अमन और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। बैनुल अक्वामी बरादरी के तआवुन से पाकिस्तान को मुस्तहकम रियासत बनाएंगे। मजीद कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी और मस्नूई जहानत का इस्तेमाल तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबले तस्खीर, बैनुल अक्वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2022 का कराची में आगाज। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत कई अहम सियासी अस्करी शख्सियात की तकरीब में शिरकत। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो और मोजज मेहमानों को पाक फौज के अहलकारों की सलामी। कराची में बैनुल अक्वामी दिफाई नुमाइश के लिए ट्रैफिक प्लान, नुमाइश के दौरान सरशाह सुलेमान रोड सुबह से शाम 6 बजे तक ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। नीपा से पीपल्स चौरंगे तक हैवी और कमर्शियल ट्रैफिक को जाने की इजाज़त नहीं होगी। यूनिवर्सिटी रोड से ट्रैफिक स्टेडियम रोड नहीं जा सकेगी। यूनिवर्सिटी रोड के दोनों अतराफ की सड़कें आम ट्रैफिक के लिए खुली रहेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। वजीर आजम की 2 रोज से तबीयत नासाज थी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं वजीर आजम ने डॉक्टर्स के मशवरे से आज कोरोना टेस्ट करवाया। अवाम और कारकुनों से वजीर आजम की जल्द सेहतयाबी की दुआ की अपील। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का वजीर आजम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को नोटिस जारी कर दिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत, अदालत का इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तना के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में जेरे इल्तवा केसेस यकजा करने में कानूनी नुक्ता एक होना जरूरी है। पीटीआई लॉन्ग मार्च सराय आलमगीर पहुंच गया, रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। जेहलों में लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल के लिए सरकारी मशीनरी का बेदरेख इस्तेमाल। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला और गाड़ियां पीटीआई के सियासी कामों में मसरूफ रहा। खारिया में पुलिस की गाड़ियां ढोलचियों को पीटीआई के मकामी रहनुमाओं के डेरों पर पहुंचाती रही। इलेक्शन कमीशन ने सिंध बल्दियाती इंतखाबात केस का फैसला महफूज कर दिया। इलेक्शन कमीशन में समाअत के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मुकम्मल सिक्योरिटी हो। कराची बल्दियाती इंतखाब 90 दिन के लिए मुलतवी किए जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, सूबाई हुकूमत नहीं चाहती कि बल्दियाती इलेक्शन ना हो। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाब नहीं कराना चाहती, मगर हम बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध अहदे से मुस्ताफी हो गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नसरुल्ला कुरई का इस्तीफा मंजूर कर लिया। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को बिजली का झटका, नेपरा ने बिजली मजीद 2 रुपए फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। सार्फीन पर 43 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फीन पर नहीं होगा। इजाफा रवा माली साल की पहली इस समाही एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया था।
कराची में गैस का बहरान थम न सका, मुख्तलिफ इलाकों में गैस की सप्लाई मुतासर। गैस की अदम दस्तियाबी की शिकायत भी बरकरार, गैस की अदम फराहमी पर शहरियों को परेशानी का सामना। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तारीखी सिफारती ताल्लुकात के 75 बरस मुकम्मल। PIA की इस्तांबुल के लिए बराह रास्त परवाजों का आगाज। लाहौर एयरपोर्ट पर इफ्तिताही परवाज के मौके पर पुरवकार तकरीब। मेहमान खसूसी वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने तकरीब में कहा, PIA अपने सर्विस के मयार को बेहतर बनाने के लिए कोशा है। भारत में मोदी सरकार की मुसलमानों के खिलाफ नफरत उरूज पर। भारतीय रियासत कर्नाटक से लोकसभा के BJP के रुकन का मुसलमानों के खिलाफ बयान। प्रताप समाह का मस्जिद से मुशाहबत रखने वाले बस स्टॉप को गिराने का ऐलान। कहते हैं क्योंकि बस स्टॉप मस्जिद से मुशाहबत रखता है, इसलिए इसको गिरा देना चाहिए। कराची में बैनुल अक्वामी दिफाई नुमाइश के लिए ट्रैफिक प्लान। नुमाइश के दौरान सरशाह सुलेमान रोड सुबह से शाम 6 बजे तक ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। नीपा से पीपल्स चौरंगे तक हैवी और कमर्शियल ट्रैफिक को जाने की इजाजत नहीं होगी। यूनिवर्सिटी रोड से ट्रैफिक स्टेडियम रोड नहीं जा सकेगी। यूनिवर्सिटी रोड के दोनों अतराफ की सड़कें आम ट्रैफिक के लिए खुली रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। वज़ीर-ए-आज़म की 2 रोज से तबीयत नासाज थी। वज़ीर-ए-इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब कहती हैं वज़ीर-ए-आज़म ने डॉक्टर्स के मशवरे से आज कोरोना टेस्ट करवाया। अवाम और कारकुनों से वज़ीर-ए-आज़म की जल्द सेहतयाबी की दुआ की अपील। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को नोटिस जारी कर दिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। अदालत का इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तना के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ज़ेरे इल्तवा केसेस यकजा करने में कानूनी नुक्ता एक होना जरूरी है। PTI लॉन्ग मार्च सराय आलमगीर पहुंच गया, रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। जेलों में लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल के लिए सरकारी मशीनरी का बेदरेख इस्तेमाल। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला और गाड़ियां PTI के सियासी कामों में मसरूफ रहा। खारिया में पुलिस की गाड़ियां ढोलचियों को PTI के मकामी रहनुमाओं के डेरों पर पहुंचाती रही।